हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेसा देवी बिन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस समय नवरात्र चल रहा है, मौसम पूरा तरस कर लिया है। हमारा धान दुआरे पे रखा गया और खेत में कटना है। दोस्तों पीट रहे हैं, चलते हैं, थोड़ा मरचा पेड़ लगा के आते हैं, भैंस उसके चारों रंगा के फिर हम लोग धान खेती करने चले जाएंगे। तो जितना हो सकता है दिखाएँ हमारे। अरे दोस्तों, पूरी तरह से बदली कर लिया है, देखिए वहाँ बादल कितना दिख रहा है। आलू हवा कैक दी जाए तो देखिए दोस्तों, ये देसी हल से हमारा खेत जोता गया है, पूरी तरह खोद दिया गया है। अब पलेवा करेंगे हम लोग, पलेवा में पानी भरेंगे खेत को। उस खेत में लगेगा आलू दोस्तों, और वो वाले खेत में लगाएंगे हम लोग, बोएंगे सरसों। दो खेत में वहाँ और एक उधर है जो खेत, उसमें बोएंगे सरसों। अब खेती कतकी, ये हम लोग बोलते हैं कार्तिक वाली खेती है, कतकिया ही खेती आ गई है हमारी। अब धान तो पिटा गया है ताल में, वो थोड़ा सा कटना रह गया, बाकी इधर रह गया थोड़ा सा। आ गए अपने एक छोटे से खेत के पास दोस्तों। ये मरचा देखिए कुछ तोड़ ले गए, जितना भरा था सारे अभी ताज़ा ताज़ा तोड़ा गया है, जैसे पूरा बीन कर कर तोड़ लिए हैं, पूरा जना एक तरफ से तोड़ा गया है। अरे जो बैगन लगाए थे दोस्तों, देखो कितना अच्छा है। और ये हमारा जमा हुआ है मस्त अच्छे से। अब लगाते हैं यही मर्चा दोस्तों, एक मर्चा पड़ा कैसा मर्चा, यही एक पेड़ जो बचा था ना, इसी की तोड़ दिए पैर लगा करके वहाँ पर फूल रहा बेचारा। और लहसुन तो गजब जमा है, पूरा जम गया हमारा लहसुन। पहले मर्चा वो देखिए दोस्तों, सारा मर्चा हम लगा दे रहे हैं, तीन तीन पकड़ पेड़ करके लगाता है। थोड़ा देखिए घाम लग के झुलस गया है, फिर भी पकड़ लेगा तो दोस्तों झुलस गया है। अब पहले लगा के चलते हैं, तो फिर साफ करेंगे दोस्तों। इसमें खेती धान की तेजी है, तो हमारी लापरवाही दोस्तों। थोड़ा घाम लग गया, झुलस पकड़ लेगा, भूसा भरे भले। देखिए दोस्तों, ये टमाटर ना बच गया है जब लगाए थे। अब दोस्तों हम लोग धान से खाली पाएंगे तब इसे साफ करेंगे पूरी तरह से। अभी लगा के चलते हैं, तो चुचुक गया है फिर, लेकिन पकड़ लेगा दोस्तों, टेंशन नहीं, यहीं लगा दे रहे हैं सब खाना।
मर्चा लगा दिए, साफ भी कर दिए हैं, खाली मिलेगा तो हम लोग पूरा साफ करेंगे। पानी दोस्तों सात थाला हमने मर्चा लगा दिया है, साफ भी कर दिया है, अब पानी देंगे। इस तरह से रोटी आना पड़ता है, आप लोग को बताए थे, सब जानते हैं सब्जी जो बोते हैं दोस्तों, तो लगाने के पहले लगा के बाद के फिर तुरंत रोटी आया जाता है, यानी पानी दिया जाता है। और मर्चा को पानी जितना दो कम ही है, ये कम पानी चाहता है। ठीक दोस्तों, ये लहसुन जब हम लगाए थे कितना सुंदर है, खाने लायक हो गया लहसुन हमारा। अब पूरा देखिए, और मर्चा भी है लेकिन और ख़राब हो गया, अब फिर ले आकर के लगा दिए हमने। और बैंगन भी हमारा देखिए, आप सबके सामने ही लगाए थे, इतना बड़े बड़े हो गए। और दोस्तों अच्छा है, लेकिन अब धान से सफ़र के आएंगे तो हम पूरा गोड़ उड़ अच्छे से बना कर आप लोग को दिखाएंगे कितना अच्छे से खेती करते हैं। इसमें काम है इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों भैंस के पास, कोई घर पर नहीं है। कि दोस्तों मर्चा जितना हमने देखा था पूरा हमारा मर्चा तोड़ लिया गया है, एक एक से है, देखते हैं जो अच्छा है तोड़ लेते हैं। तीखा है देखिए, वो बच्चा ही है, क्या तोड़े, नहीं तोड़ेंगे तो दूसरा तोड़ ले जाएगा, इससे बढ़िया ले चलिए तोड़ ले जाते रहे। चलिए अब ना ये दोस्तों सब तोड़ लीजिए, कितना मतलब अच्छा हमारा था, बस बहुत अच्छा हमने आप लोग को दिखाई, खाने लायक हो गया था मर्चा हमारा। तो दोस्तों हमने मर्चा तोड़ लिया, जो हमारा बचा था, बचा खोचा था उसे तोड़ लिए। और ये ककड़ी देखो नहीं बोए थे, थोड़ा जम गया है, इसे भी उबारेंगे। पालक तो गल गया, देखो पालक जमा है लेकिन साथ में है, इसे अब खाली समय मिलेगा हम लोग आकर इसे साफ करेंगे। मर्चा जो बचा खोचा था हमने तोड़ लिया दोस्तों, चलते हैं घर, बचा खोचा तोड़ लिए। ये डालने में मुश्किल होता है यहाँ पर दोस्तों। कल हमने टमाटर लगाया था, हम लोग को नहीं दिखाई थे, देखिए पकड़ लिया, इसी तरह मर्चा हमारा पकड़ लेगा। तीन थाला लगाए यहाँ पे है, वहाँ पे है, ऐसी छलरा पे चढ़ाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। चलिए भैया कितना अच्छा जमा हुआ है, आदत जल्दी में जब तू सिंह मारा डर लगता है। चारा वारा सब गिरा देती है, कितना लाल लाल मर्चा हुआ है छोटा छोटा, वाओ देखिए नीचे नीचे पका हुआ है, यहाँ भी सुंदर का है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है, गजब लाल लाल है, देखिए लालिमा लाल मिर्च मस्त घर पे ही है। और देखिए दोस्तों ये दोस्तों घौदा जैसे फरता है, दो दो चाचे बहुत ज़्यादा फरता है, बहुत जैसे लगता है ये जब फरेगा तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे, भी चढ़ रहा है नींद पर जा रहा है पूरा। देखिए दोस्तों ये फूल सबसे ज़्यादा विकास किया है, इसमें ढोड़ आ गया है, यानी फूल का ढोड़ जो होता है, देखिए मस्त आ गया है। तो दोस्तों अब समय हो गया हमें स्नान करने का, हम स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ टाइम आए हो गया है। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्ते, बाय दोस्तों।